कोलकाता में रेप और हत्याकांड के खिलाफ डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मंगलगिरी एम्स में जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स का फूटा गुस्सा, कोलकाता रेप और हत्या के विरोध में जमकर प्रदर्शन कर रहे। दिल्ली में ममता सरकार के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कोलकाता में आरजी कर हॉस्पिटल में रेप और हत्याकांड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोलकाता के आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का सीबीआई के सवालों से सामना, पूछताछ जारी, कल दोपहर 3 बजे से सीबीआई के दफ्तर में ही मौजूद हैं संदीप घोष। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष उत्तर कोलकाता में आलिशान मकान बेलियाघाट इलाके में 3 मंजिला मकान सीसीटीवी कैमरे से लैस है। कोलकाता में सीबीआई ने रेप और हत्या की वारदात से जुड़े तमाम सैंपल्स को फोरेंसिक लैब भेजा, जांच के बाद ही सच सामने आया। कोलकाता महिला डॉक्टर हत्या केस में सीबीआई कार्यालय पहुंचे कोलकाता पुलिस के 2 अधिकारी, हत्याकांड के बाद पुलिस की भूमिका की भी जांच हो रही। कोलकाता निर्भया केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम को अहम सुराग के तौर पर पीड़िता की डायरी मिली है, डायरी में से कुछ पन्ने फटे हुए। कोलकाता कांड के बाद दहशत में दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर्स, आरएमएल प्रशासन से बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड्स की मांग की, सुरक्षा के लिए बाउंसर की मांग मानने को तैयार है प्रशासन। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी, डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा कानून लाने की मांग, हड़ताल की वजह से मरीजों को भारी परेशानी। महिला डॉक्टर्स की रेप और हत्या के खिलाफ 6ठे दिन भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी, पटना एम्स में डॉक्टर्स ने गुनहगारों को कड़ी सजा समेत डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बेटियों के इंसाफ के लिए पटना में कॉलेज की बच्चियों ने बनाई ह्यूमन चेन, 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से सुरक्षा की मांग की, मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी जताई। कोलकाता कांड के खिलाफ उत्तर से लेकर दक्षिण तक डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी, चेन्नई में हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर डॉक्टर्स ने विरोध किया। राजस्थान की पाली में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ने सड़क पर उतरकर निकाली आक्रोश रैली, नुक्कड़ नाटक के जरिए सुरक्षा पर उठाए सवाल, दोषियों को फांसी देने की मांग। दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के प्रदर्शन में आरडी और स्टूडेंट यूनियन भी शामिल, मार्च में शामिल नर्सों ने भी सुरक्षा को लेकर खड़े किए गंभीर सवाल। डॉक्टर्स की हड़ताल के समर्थन में उतरा हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, प्रोटेक्शन एक्ट समेत प्रदेश के अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग। लखनऊ के केजीएमयू में डॉक्टर्स की हड़ताल का असर दिखा, ओपीडी बंद होने से मरीज और तीमारदार परेशान है, ओपीडी काउंटर के पास लेटे हुए दूर दराज से आए मरीज और उनके तीमारदार परेशान है। कोलकाता के अस्पताल में तोड़फोड़ का एक और वीडियो सामने आया, उपद्रवी अस्पताल के हर हिस्से में तोड़फोड़ कर रहे थे, पुलिस का दावा, क्राइम की जगह पर नहीं पहुंच पाए थे उपद्रवी। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीसीटीवी से नया खुलासा, वारदात वाली रात 2 बार अस्पताल गया था आरोपी संजय, सीबीआई ने पूछताछ के लिए इंटर्न ट्रेनी डॉक्टर समेत 30 से 35 लोगों की लिस्ट तैयार की। कोलकाता मामले के आरोपी संजय रॉय की बहन ने कहा उसे अपराध की सजा मिलनी चाहिए, आखिर भाई ने इतना गंदा काम क्यों किया, सरकार जो भी सजा दे मंजूर। कोलकाता रेप और हत्याकांड पर बोले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, कहा सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पर भी संबित पात्रा भड़के, कहा राहुल प्रियंका और मल्लिकार्जुन ने मामले पर चुप्पी क्यों साधी। निर्भया कांड पर बोले लालू प्रसाद यादव, कहा महिला डॉक्टर के साथ हुआ जघन्य अपराध, डॉक्टर्स को मिलना चाहिए इंसाफ। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी की बड़ी बैठक, अमित शाह जेपी नड्डा समेत पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री बैठक में शामिल रहे, बीजेपी की सदस्यता अभियान के लिए तय किए गए प्रभारी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की दिल्ली में पदयात्रा, पश्चिम विनोद नगर में मनीष सिसोदिया ने जनसंपर्क किया। यूपी के अंबेडकर नगर में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी में होगी 60,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती, 20% यूपी के बेटियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती की पूरी सूची को रद्द किया, 3 महीने में नए सिरे से जारी होगी लिस्ट, कोर्ट के फैसले के बाद समायोजन पर विचार कर रही है योगी सरकार। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द होने पर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा पिछड़ों का संघर्ष कामयाब रहा, उपचुनाव में पीटीए की होगी ऐतिहासिक जीत।
79,000 शिक्षक भर्ती रद्द होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट का धन्यवाद दिया। यूपी सरकार के कामकाज की निंदा की, कहा भर्ती में आरक्षण में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंकी पॉक्स से निपटने के लिए तैयारियों पर बैठक की। भारत में अभी तक मंकी पॉक्स ने नहीं दी है दस्तक, लेकिन वायरस से निपटने की तैयारी में जुटा है स्वास्थ्य विभाग। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दी। सिद्धारमैया पर जमीन घोटाले का आरोप है।